हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नीलम। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी और मटर की सब्जी। और इस सब्जी की खासियत ये रहेगी कि ये बिना प्याज लहसुन के बिल्कुल कम तेल में, कम मसालों के साथ बनाऊंगी मैं। सर्दियों का मौसम है, वैसे तो पत्ता गोभी और मटर साल भर मिलते रहते हैं, लेकिन इस सीज़न में जो पत्ता गोभी और मटर का स्वाद आता है वो लाजवाब रहता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है ये सब्जी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, आधा किलो पत्ता गोभी को बारीक बारीक काट लिया है। देखिए, मैंने बहुत मोटा नहीं काटा है, एकदम बारीक बारीक चॉप किया है इसको। और इसके बाद में मैंने 250 ग्राम मटर थी जिसको मैंने छील लिया था, एकदम ताज़ी मटर है, बहुत मीठी मीठी मटर है ये। और इसके साथ मैंने ली है हरी मिर्च, बहुत तीखी हरी मिर्च है इसलिए मैंने आधी ली है, और थोड़ी सी हरी धनिया। तो इसमें ये सामान लगेगा और मसाले मैं आपको बाद में बताती हूँ कि इसमें क्या क्या मसाले लगेंगे। गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें मैं डालूँगी ऑयल। तो मैंने 2.5 टेबल स्पून तेल लिया है। इस सब्जी में तेल बहुत कम डाला जाता है क्योंकि ये बनने के बाद थोड़ी हो जाती है, तो बाद में अगर आप ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो बहुत तेल छोड़ देगी। तेल गर्म हो गया था तो आधी छोटी चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है, और हरी मिर्च जब अच्छे से भुन गई तो उसके बाद मैं इसमें पत्ता गोभी डालूंगी। पत्ता गोभी को मैंने बहुत अच्छे से पानी से धो लिया था, और इसके बाद में आपको पत्ता गोभी डालना है। देखिए, अभी ये पत्ता गोभी बहुत फूला फूला लग रहा है, बनने के बाद थोड़ा सा हो जाएगा ये। तो ये मैंने पूरा डाल दिया है और इसको अभी मैं चला देती हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। तो इसको मैं चला देती हूँ अभी, और इसके बाद मैं इसमें मटर डाल दूँगी। तो मटर को भी मैंने अच्छे से धो लिया था, और इसको अभी हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। इस सब्जी में हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, ऑयल नहीं डालेंगे, पर ये सब्जी इतनी लाजवाब बनती है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। और इसके बाद में हम इसमें मसाले डालेंगे, तो हल्के मसाले डाले जाते हैं इसमें। तो मैं डालूँगी आधी छोटी चम्मच हल्दी, और इसके बाद इसमें डालूंगी आधी छोटी चम्मच ही धनिया डाल रही हूँ, और 1/4 टीस्पून इसमें लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च बहुत तीखी थी इसलिए मैंने लाल मिर्च कम डाली है, लाल मिर्च भी बहुत तीखी है। और इसके बाद 1/4 टीस्पून ही गरम मसाला डाल दूंगी। और गैस का फ्लेम अभी मैंने हाई करके रखा हुआ है क्योंकि ये गोभी जो है बहुत पानी, जैसे जैसे कम होगा पानी छोड़ेगा, और नमक के अगर डाल देंगे तो नमक के कांटेक्ट में आने पर बहुत पानी छोड़ेगा। तो गैस का फ्लेम अभी तक मैंने स्लो नहीं किया है, और ये देखिए अभी इसने कितना पानी छोड़ा है। तो अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, मेरे कहने पर आप थोड़ा कम ही डालिए क्योंकि ये सब्जी अभी फूली फूली लग रही है, बाद में जब कम हो जाएगी तो नमक इसमें बहुत तेज लगेगा। तो इसको देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि सारे मसाले नमक सब आपस में मिल जाए। और अब हम गैस का फ्लेम कम करेंगे, स्लो कर देंगे, और फिर हम ढक्कन से इसको ढक देंगे। और अभी मैंने 5 मिनट हुए होंगे करीब, और फिर खोला है इसको, और गैस का फ्लेम मैंने हाई किया ही नहीं है। उसके बाद में देखिए 5 मिनट बाद इस सब्जी का ऐसा हाल हो गया है, मतलब ये बनी नहीं है अभी, अभी इसमें बहुत पानी है। तो इसके बाद फिर इसको मैं 3-4 मिनट के लिए ढक देती हूँ क्योंकि मटर और गोभी दोनों को कुक होना चाहिए। तो देखिए अभी मैंने खोल कर देखा तो अभी भी इसमें काफ़ी पानी है और सब्जी ऑलमोस्ट पकने के लिए आई है। तो गैस का फ्लेम मैं हाई करूंगी और इसका पानी मैं पूरा सुखाऊंगी। थोड़ा सा मैंने खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए हरा धनिया डाल दिया है, इससे सब्जी में एक बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और इसको मैं हाई करके अच्छे से कल्हार लेती हूँ ताकि इसका पूरा पानी सूख जाए। जब इसका पानी सूखेगा तो इसका जो ऑयल है वो अपने आप ही आपको दिखाई देगा, वो रिलीज करेगा ऑयल। तो देखिए मैंने पानी सुखा लिया है। इस प्रोसेस में मुझे 3 से 4 मिनट लगे थे, पूरी सब्जी बनने में 10 से 12 मिनट लगे हैं मुझे। तो मैं पास से आपको दिखाती हूँ।
मटर और गोभी अच्छे से कुक हो चुका है, पानी बिल्कुल भी नहीं रह गया है सब्जी में। तो इसके बाद में हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत गरम गरम सब्जी है अभी तो फिलहाल। सर्दियों की स्पेशलिटी है ये सब्जी, मतलब सर्दियों में एकदम ताज़ा ताज़ा पत्ता गोभी आता है, ताज़ी ताज़ी मटर आती है, तब उसका स्वाद ही थोड़ा अलग होता है। वैसे तो पत्ता गोभी और वो साल भर मिलते रहते हैं मटर, पर वो स्वाद नहीं आता जो सर्दियों में आता है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, इवन अब तो पूरी वगैरह के साथ भी खा लेते हैं। तो सब्जी बनकर एकदम तैयार हो गई है। आप इसे मेरे कहने पर ज़रूर बनाइए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।